हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशांक अग्रवाल और हम फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे थे द्रव द्रव्य विज्ञानम अध्याय। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अब तक काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी, तो चलिए फटाफट समराइज़ करते हैं चीज़ों को और फिर आज चैप्टर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों के मुझको डाउट आ रहे थे कि भैया इस चैप्टर के श्लोक याद नहीं करने, क्या करना है क्या नहीं करना। तो देखिए, इस चैप्टर के श्लोक इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। मैं तो आपसे यही कहूँगा, इस चैप्टर के श्लोक पर फोकस ना करें। अगर आपको श्लोक याद भी करनी है इस टाइम, तो सबसे पहले आप फर्स्ट चैप्टर के श्लोक पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। ये जो बच्चे डाउट पूछते हैं, इनमें से एक मोस्टली डाउट इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं और कुछ डाउट कमेंट सेक्शन में भी आ रहे हैं। तो आपको जहाँ सही लगे वहाँ डाउट पूछिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए और वीडियो देखते रहिए। अब हम कुछ ही दिनों में क्रिया शरीर, आई थिंक कोशिश करूँगा कल पहला लेक्चर डल जाए क्रिया शरीर का, कल नहीं तो परसों एक दो दिन में क्रिया शरीर के लेक्चर्स भी डलने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हम क्रिया शरीर भी शुरू करेंगे। अब कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था, सर मॉडर्न एनाटॉमी शुरू करिए। देखिए, एक साथ इतना सब पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ हो पाएगा। एक साथ इतना सब करना ना हमारे लिए पॉसिबल है ना आपके लिए इतना पॉसिबल है कि आप एक ही दिन में सब कुछ चीज़ें पढ़ लें। तो आराम आराम से चलेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। 5 चैप्टर अष्टांग के कर लिए, कुछ चैप्टर क्रिया के करेंगे, देन उसके बाद जिस चैप्टर की डिमांड ज़्यादा होगी, बच्चे जिस चैप्टर के लिए ज़्यादा बोलेंगे उस चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने जल के बारे में पढ़ा, फिर जल के बाद हमने दुग्ध यानी कि दूध के बारे में पढ़ा, हमने दही के बारे में पढ़ा, हमने मक्खन के बारे में पढ़ा, हमने ईक यानी गन्ने के रस के बारे में पढ़ा, हमने मधु के बारे में पढ़ा। इतनी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं हम। अब देखिए, जल की अनिवार्यता पढ़ी हमने, क्या है क्या नहीं है, जल ही जीवन है, जल ना मिलने से मृत्यु भी हो सकती है, सबसे पहले गला सूखता है, शरीर ढीला पड़ जाता है एवं फिर मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जल की अनिवार्यता के बाद हमने क्या पढ़ा, जल के प्रकार पढ़े। जल के प्रकार में हमने क्या पढ़ा, गंगा का जल पढ़ा, सामुद्र जल पढ़ा, अमृत तुल्य जल कौन सा बताया गया है, गंगा जल। गंगा जल की क्या पहचान है, जब बाहर बारिश वर्षा हो रही हो, अगर उस टाइम घर में शाली चावलों का भात चांदी के पात्र में परोसा जाए और वो क्लेद युक्त ना हो, दुर्गंध ना आए, पसीजे नहीं, तो क्या पहचान है, जो बाहर वर्षा के जल बरस रहा है वो गंगा का जल है, अन्यथा बाहर सामुद्र जल बरस रहा है। अगर अंदर घर में पकाया हुआ शाली चावलों का भात पसी जाए, दुर्गंध युक्त हो जाए, क्लेद युक्त हो जाए, तो क्या बोलेंगे, बाहर कौन सा जल बरस रहा है, सामुद्र जल बरस रहा है, ठीक है सर। चलिए सर, हमने ये सब पढ़ लिया था, अब इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे, जो समझ में नहीं आएगा हम सर से पूछ लेंगे। चलिए, हमने ये सब पढ़ लिया। फिर हमने ये पढ़ा था, गाय के दूध में और भैंस के दूध में कौन सा दूध ज़्यादा बढ़िया रहता है, तो गाय का दुग्ध ज़्यादा बढ़िया रहता है, जीवनदायी होता है, मेधादायक होता है। ये सब पढ़ा, गलत पढ़ा, बुद्धि स्मरण शक्ति मेधा जटरग्नि बल वीर्य को बढ़ाने वाला, दृष्टि के लिए उत्पन्न, सुकुमारता चाहने वालों के लिए उत्तम, सुरीला एवं तेज स्वर चाहने वालों के लिए भी उत्तम होता है, वात विकार पित्त विकार इन सब का नाश करता है, ठीक है। इसके बाद हमने मधु भी पढ़ लिया। चलिए, अब तेल पढ़ना है। तेल भी काफ़ी प्रकार का बताया गया है, लेकिन सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम पढ़ेंगे तिल तेल। तीक्ष्ण होता है, शीघ्र फैलने वाला होता है, त्वक दोष नाशक यानी कि स्किन डिसीज को भी दूर करता है, नेत्रों के लिए हानिकारक, नेत्र में नहीं डालना चाहिए, आप इसको आई ड्रॉप ना समझें। सूक्ष्म तथा उष्ण होता है, ये स्निग्ध होने पर भी कफ कारक नहीं होता, ये स्निग्ध तो होता है लेकिन कफ की वृद्धि नहीं करता, किरस पुरुषों को पुष्ट करने में समर्थ है, अतएव भ्रमण कार्य भी करता है, स्थूलों को क्रश करता है। अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए, इसको कह सकते हैं तिल तिल इतना उत्तम है, मोटों को पतला और पतले को मोटा करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पतले को मोटा कर रहा है या मोटे को पतला कर रहा है, मैं ये कहूँगा कि अगर कोई अति स्थूल है तो उसकी स्थूलता का नाश करके उसको एक सम पुरुष में यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति बना रहा है, और जो अति पतला है उसके स्रोतसों में जाकर उसको खोल कर, चैनल्स को खोल कर। अब देखिए, ये क्यों कर रहा है ऐसा, तो देखिए इसके पीछे दो रीजन है। जो लोग अति मोटे हो गए उनका क्या कर रहे हैं, उनके स्रोतस क्या हैं, दुष्ट हो गए हैं, दूषित हो गए हैं, तो उसकी शुद्धिकरण करता है जी, जिससे सम्यक प्रकार का न्यूट्रिशन मिले बॉडी में, और जो बॉडी के जो एक्स्ट्रा फैट है उसका मेटाबोलाइज हो जाए और बॉडी सम कंडीशन में आ जाए। और पतले को मोटा कैसे कर रहा है, ये जो स्रोतस अवरुद्ध हो गए हैं, चैनल्स में ब्लॉकेज हो गई है, उन चैनल्स में खोल कर जाकर सूक्ष्म बताया ना उन्होंने, सूक्ष्म में यानी कि क्या कहते हैं, लिटिल स्पेस वर्क तक में जा सकता है ये, तो उसमें जाकर
उन चैनल्स को, यानी कि बॉडी के एक एक पार्ट को पोषण देता है, जिसकी वजह से शरीर का पोषण होता है, तर्पण होता है और शरीर ग्रो करता है। फिर क्या लिखा, पुरुष को बांधता है, कृमि नाशक है, वात शामक है, ठीक है। फिर एरंड तेल तिक्त एवं कुछ कटु तथा मधुर रस वाला, विरेचक और पचने में भारी होता है, वात रोग, कफ रोग, उदर रोग एवं विषर ज्वर का विनाश करता है, पीठ की पीड़ा तथा सूजन को जीत लेता है, यानी कि अगर दर्द वगैरह में एरंड तेल का सेवन करना चाहिए। फिर सरसों का तेल कटु होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, कफ शुक्र तथा वात दोष नाशक होता है, यानी कफ को कम करता है, शुक्र तथा वात का भी नाश करता है, लघु होता है, शीघ्र पचने वाला होता है, पित्त को बढ़ाता है एवं रक्त बढ़तक यानी कि रक्त को भी बढ़ाता है। प्राणिज स्ने, अब देखिए प्राणिज स्ने में क्या पढ़ना है, स्थावर स्नेयों का वर्णन करने के बाद, स्थावर स्ने और प्राणिज स्ने दो तरह के स्ने हैं। प्राणिज स्ने वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से यानी कि प्राणी मात्र से प्राप्त होते हों, और स्थावर स्ने वो जो प्लांट्स वगैरह से प्राप्त होते हैं। स्थावर स्ने में हमने क्या पढ़ लिया, ये तेल वगैरह पढ़ लिए। अब प्राणिज स्ने के बाद, अब स्थावर स्नेयों का वर्णन करने के बाद, अब यहाँ से जांगम स्नेयों का वर्णन किया जा रहा है। वसा तथा मज्जा नामक स्नेयों की प्राप्ति प्राणियों से की जाती है। देखिए समझते हैं, स्ने स्ने चार प्रकार के बताए गए हैं, आगे पढ़ेंगे आप। घी तेल वसा मज्जा, घी तेल वसा मज्जा। तो देखिए घी तेल हमने किस में पढ़ लीजिए, पढ़ लिए स्थावर में। अब प्राणी या जांगम में कौन से पढ़ेंगे हम, वसा और मज्जा, वसा और मज्जा। देखिए जो मज्जा होता है ये हम पढ़, आपको पता होगा, अब तक आपने पढ़ लिया होगा कि सात प्रकार की धातुओं पढ़ी थी हमने फर्स्ट चैप्टर में अष्टांग में, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, यानी कि मज्जा का कंपेरिजन किससे किया गया है, बोन मेरो से किया गया है। तो कहते हैं मज्जा क्या है, जो बोन के अंदर बोन मेरो है वो क्या है, मज्जा। वसा आप कह सकते हैं, क्या कहते हैं, हम ये पढ़ेंगे वसा को, मांस धातु की उपधातु क्या है, वसा, मांस धातु की उपधातु क्या है, वसा, ठीक है। अभी इतना ध्यान रख लीजिए आप। तो वसा और मज्जा नामक स्नेयों की प्राप्ति प्राणियों से की जाती है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या मिलती है, वसा और मज्जा, यानी कि हम ह्यूमन बींग से क्या मिल जाता है, वसा और मज्जा, ये हमारे शरीर में मिल जाते हैं। ये दोनों स्नेह वात नाशक होते हैं, वल पित्त कफ को बढ़ाते हैं, ये मांस के समान गुण वाले होते हैं। देखिए वसा, वो वसा जो है वो क्या है, उपधातु है मांस धातु की, तो वो तो उसके गुण के समान हो गई होगा। अब देखिए मद का वर्णन अर्थात दारू का वर्णन, मद जठरग्नि भोजन के प्रति रुचि को बढ़ाती है, मद क्या करती है, भूख को बढ़ा रही है, जठरग्नि को बढ़ा रही है और भोजन के प्रति रुचि को बढ़ा रही है, यानी कि अरुचि की शिकायत को भी खत्म कर रही है। तीक्ष्ण होती है, उष्ण होती है, मात्रा अनुकूल सेवन करने से तुष्टि एवं शारीरिक पुष्टि को देते हैं, तुष्टि मतलब संतोष एवं शारीरिक पुष्टि को देते हैं। मधुर तिक्त कटु रस वाला, इसका अम्ल विपाक इसका कैसा होता है, हमने पढ़े थे विपाक तीन प्रकार के ही होते हैं, तो इसका विपाक कैसा है, अम्ल है। ये स्वर आरोग्य प्रतिभा एवं मुखमंडल की कांति को बढ़ाता है, किसी को ऊंचा स्वर चाहिए तो वो इस दारू का सेवन करे, किसी को आरोग्य स्वस्थ रहना है, किसी को प्रतिभा बढ़ानी है, मुखमंडल की कांति यानी कि अपने चेहरे पर चमक लानी है तो क्या करे, दारू का सेवन करे। अब मैं ये नहीं कह रहा रोज़ दारू पीने लग जाए, इसका मतलब ये है मात्र अनुकूल, सबसे पहले आयुर्वेद में इसी का ये शब्द ही बोला गया, मात्र अनुकूल हिसाब से लघु है, जिन्हें निद्रा ना आती हो, जो अति निद्रा से पीड़ित हो उनके लिए हित करे। ये पित्त तथा रक्त को दूषित कर देता है, क्रस को स्थूल तथा स्थूल को क्रस कर देता है, ठीक है। नया तथा पुराना मद, नया मद गुरु एवं त्रिदोषकारक होता है, इसके विपरीत पुराना मद लघु एवं त्रिदोष शामक होता है। अब मद का निषेध, मद कब नहीं पीना चाहिए, उष्ण गुणयुक्त आहार विहार के साथ यानी कि गर्म खाने पीने के साथ नहीं पीनी चाहिए, विरेचन के बाद तुरंत बाद मद का सेवन ना करें, खाली पेट भी मद का सेवन ना करें। अब मुनक्का का मद, इसका मद लेखन होता है, हृदय के लिए हितकर होता है, अधिक उष्ण नहीं होता, स्वाद में मधुर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, पांच चैप्टर हो चुके हैं। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपको कम से कम इतना समझ में आ गया कि बेसिकली हमको किस चीज़ पर ध्यान देना है। मैं अभी भी ये कहूँगा, आपका प्राइमरी फोकस बच्चों को घबराने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को श्लोक याद नहीं हो रहे कोई दिक्कत नहीं, हम याद कराएंगे, हम बताएंगे कौन कौन से श्लोक इंपॉर्टेंट हैं और सब कुछ, उस पर अलग वीडियो बनाएंगे सेपरेट, वो बात की चीज़ है।
ठीक है। फिलहाल आपका मेन फोकस होना चाहिए कंसेप्ट पर, और आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर भी दिख रहा होगा, इंस्टा आईडी भी दिख रही है, तो आप पूछ सकते हैं डाउट, कॉल कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। अगर कॉल नहीं उठा पाऊँगा, मैं बिजी होऊंगा, तो आपका डाउट मैसेज पर ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगली वीडियो हमारी क्रिया शरीर की होगी, तो अब हमारी मुलाकात होगी क्रिया शरीर पे, ठीक है फ्रेंड्स। टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, मस्त रहें, एवं पढ़ते रहें अष्टांग हृदय।